कोरोना वायरस ने लेट चिकित्सा महकमो हाई अलर्ट पर चिकित्सा मंत्री अड़कारा रही बैठक हेल्पलाइन नंबर करी जा जारी। कोरोना रा संदिग्धा ने आरयूएचएस सफाखाना माय आइसोलेशन वार्ड में राखी जो इटली सु आया मरीज री जोड़ाए त्रो सैंपल भी जांच वास्ते पुणे भेजी जो। राज्यपाल कलराज मिश्र किशनगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस जलसा में जताए विचार कयो पढ़ेसरी डिजिटल इंडिया अभियान ने बढ़ावे आगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन रे तहत श्रीगंगानगर में दो दिनारी कार्यशाला राखी जी बागवानी वास्ते कृषि महकमा कानीसू चलाई जा रही योजनावारी काश्तकारा ने दे जी जानकारी। जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी रा मिंदर माए चाल रियो फागोत्सव कलाकारा कानीसू भक्ति रस्म डूब्या कार्यक्रम करी जा पेश। नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी। अरबे खबरें विगतवार। प्रदेश में कोरोना वायरस रा मामला सामने आवण पाछे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा महकमारा सगड़ा नोडल एहलकारा रे साथे एक बैठक में तैयारियां रो जायजो लियो। वणा एसएमएस सफाखाना रे इतर आरयूएचएस सफाखाना में भी न्यारा न्यारा आइसोलेशन सेंटर बनावारा निर्देश दिया। चिकित्सा मंत्री कहो कि जयपुर आवण वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना रा सगड़ा यात्रियों की गहराई से जांच करी जा रही है। प्रकोप की सूचना हमको मिली है, करीब 168 जो फ्लाइट्स हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स उनमें करीब 26,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग राजस्थान की मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा एयरपोर्ट पे की गई है और उसमें करीब 104 सैंपल्स हमने उनके लिए हैं जिनकी टेस्टिंग कराई गई और वो सारे के सारे नेगेटिव आई है। अब सवाल क्या है सावधानी रखने का, उसके लिए भी बाकायदा हमारा आईसी डिपार्टमेंट है विज्ञापन जारी कर रहे हैं, होर्डिंग्स डिस्प्ले कर रहे हैं, हमारा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, क्योंकि ये लोग ट्रेवल करके आए हैं बाई रोड, इनकी स्क्रीनिंग का काम बेसिकली दिल्ली में होना चाहिए था। ये जो 23 टूरिस्ट आए हैं इनकी संख्या 23 है, उनमें से दो तो पॉजिटिव आ गए, 21 वापस चले गए आगरा के रूट से, वो 21 दिल्ली में है, भारत सरकार की निगरानी में है। प्रदेश में इटली रा सैलानी रे कोरोना वायरस रो संक्रमण मिलन पाछे मेडिकल अलर्ट जारी कर दी जो है। कोरोना वायरस ने लेर स्वास्थ्य मंत्रालय री एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जी माए भारत सरकार रा स्वास्थ्य सचिव प्रदेश सु फीडबैक लियो। प्रदेश में सगड़ा मिलार 52 संदिग्ध मरीजा रा सैंपल ली जा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह वन जिला रा कलेक्टर सु रपट मांगी जिन रो इटली रो दल दौरो करो हो। कोरोना वायरस की जो प्रदेश में स्थिति है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल देर रात हम सब की बैठक ली गई थी। उन्होंने पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया और हमको निर्देश दिया है कि जहां जहां ये इटालियन टूरिस्ट का ग्रुप गया था 6-7 स्थानों पर, वहां के सारे होटल्स जहां वो ठहरे हैं उनको सैनिटाइज किया जाए। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्राइडेंट होटल उदयपुर को ऑलरेडी सैनिटाइज किया जाना प्रारंभ भी किया जा चुका है। अन्य स्थानों पर भी हमारी टीम पहुँच रही है। इसके साथ ही इनके जो कांटेक्ट में लोग आए हैं उनके 52 सैंपल्स लेके टेस्ट करवाए जा रहे हैं और इनके कांटेक्ट में जो एसएमएस कॉलेज या फोर्टिस हॉस्पिटल या अन्य जगह लोग आए हैं उनको होम आइसोलेशन में रख के पूरा एहतियात बरता जा रहा है। वठीने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में कोरोना वायरस रा संक्रमण ने लेर एक बैठक रखी जी जी माए प्रदेश में सावचेती बढ़ाए जावण पर चर्चा करी जी। मुख्य सचिव बतायो कि सरकार कानीसू कोरोना वायरस खातर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 104 और 108 जारी करी जा है। डॉक्टर्स को थ्रू रिसेप्शन बुलाते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आता है जानता तो है नहीं लोकल डॉक्टर्स को, वो वहीं से डेस्क से उसमें कांटेक्ट करता है। तो हमने ये कहा है कि डॉक्टरी सुविधा तो उनको कराएं
लेकिन उस केस को इमिजिएटली रिपोर्ट करें। तो उनमें जो अपने नंबर हैं यहाँ पर इमरजेंसी नंबर्स, उसका भी प्रचार प्रसार करके 104 और 108 का, तो वो उसके ऊपर वो तुरंत ही सूचना दे दें ताकि वो अनडिटेक्टेड नहीं चला जाएगा। जगत भर में महामारी रो रूप ले चुकी कोरोना वायरस री बीमारी भारत में भी आवन पाछे प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर मार्फत लोगासु निडरबारी अरज करी है। वणा कहो के स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा सु जुड़ी नुवी एडवाइजरी जारी कर वायरस री रोकथाम रा सगड़ा वेता जतन करियो है। दूरी बनाकर रखें, अपने आंख नाक और मुंह से को छूने से बचें, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उसको लगातार तेज करें, और जब आपको छींक आए तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो जब आपको छींक या खांसी है तो आप बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम जो नंबर्स हैं और ईमेल जो है ये भी आप ही के लिए है, तो जो सभी बुनियादी सुरक्षा के उपाय हैं, क्योंकि जब हम बात ये कर रहे हैं कि एहतियात बरतना जो है वो हमारे हाथ में है, उसके लिए अपनी सुरक्षा के लिए आप अगर सरकार का सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। अजमेर रा किशनगढ़ माय केंद्रीय विश्वविद्यालय रो स्थापना दिवस जड़सो रखी जो ई मौके राज्यपाल कलराज मिश्र कयो के पढ़े सरिया ने डिजिटल जमाना रे साथे चाल रे औद्योगिक क्रांति माय भागीदारी बनवा खातर तैयार रहनो चाहिए। साथे पड़ेसरी न्यारा न्यारा खेतरा माय शोध कर नवी तकनीक अपनावे। ऐसे दिव्यांगजनों को भी विद्यालय में अगर स्थान मिलता है तो लाना चाहिए, उनका भी टैलेंट है। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे दिव्यांगजन, मैं जिस क्षेत्र का सांसद रहा वहाँ मैंने कई दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाया, उसमें इंजीनियरिंग कराया और आज अच्छे इंजीनियर बन करके, जो चलना नहीं जाता था वो अच्छा इंजीनियर बन करके काम कर रहा है, बगैर चलते हुए अब उसको पैर का सार ठीक ठाक करवा दिया कर रहा है। करगिल री लड़ाई में शहीद विया जाट रेजिमेंट रा कैप्टन अमित भारद्वाज रा 48वां जन्मदिन रे मौके जयपुर में दशहरा मैदान रा स्मृति पार्क में शहीद सम्मान कार्यक्रम राखी जो इ मौके ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह शेखावत शहीद री मूर्ति पर आ फूला रो चक्र चढ़ायो। शहीद रा माता पिता और परिवार वाला भी श्रद्धा रा फूल चढ़ाया। इ मौके पौधरोपण कार्यक्रम भी राखी जो जिसमें हम हर साल एक ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे प्लांटेशन प्रोग्राम और बच्चों के बीच में कुछ कॉम्पिटिशन करते हैं। हमारा उद्देश्य बेसिकली ये रहता है कि बच्चों को फौज के बारे में, जब हमारे यहाँ फौज के भी अरेंजमेंट्स होते हैं, फौज के बारे में बच्चे कुछ जानें, अपनी देश सेवा के लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहें और इन लोगों से प्रेरित होकर देश के लिए, चाहे वो फौज में जाए चाहे एक सिविल लाइफ में रह के कुछ काम करें, लेकिन देश के प्रति उनकी जो एक अपनत्व की भावना है वो उनमें डेवलप हो। जिला प्रशासन की पहल पर महिला और बाल विकास महकमा कानी सू चूरू में 1,00,000 छात्रावां ने गुड टच बेड टच अवेयरनेस अभियान के तहत जानकारी दी जा रही है। जिला मुख्यालय रा एक सरकारी स्कूल में जिला कलेक्टर संदेश नायक टाबरा सू बातचीत में कहो कि समाज में चोखा और बुरा सगड़ा भांतरा लोग है, रापा वनरा व्यवहार सू वनरे पिछाण कर सका। बैग घर से लाते हैं, कपड़े घर से पहनते हैं, और अनसेफ कौन सा या डेंजर कौन सा? तो मैंने सिलेक्ट किया आदतों पर आपके लिए। समाज कल्याण ICDS के साथ मिलकर, विमेन एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर ये पूरे जिले भर में कर रहे हैं। 1,00,000 से अधिक बच्चों को हम जानकारी दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ट्यूटोरियल के माध्यम से, और हमारी जो एक्सपर्ट जो NGOs हैं उनको मिला के ये कर रहे हैं। ये सभी स्कूलों में हो रहा है और एक स्कूल में हम भी आए, बच्चों के साथ संवाद किया, उनके बारे उनको सेफ और डेंजर, सेफ टचेस, डेंजर टचेस उसके बारे में बताया। अपने मम्मी पापा से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए और इस गुड टच और बैड टच के बारे में सभी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि हमें अगर कोई गुड टच का भी पता चलता है और बैड टच का भी पता चलता है।
सरकार का निसू शर्म छोड़ो चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम के तहत दोसा माए बालिकावां ने महावारी रा बारा माए जानकारी दी जी। इस दौरान महिला और बाल विकास महकमा रा एहलकार महावारी रे दौरान राखी जावण वाली सावधानी और हिफाजत सो रेवण रा तरीका बताया। भारत सरकार रा उपक्रम MSMEDI राजस्थान सरकार रा जिला उद्योग केंद्र कानिसु मिलर हनुमानगढ़ माए जिला उद्यम समागम राखी जो उद्यम समागम री शुरुआत जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन करी। इस समागम रो लगस उद्यम नीति ने बढ़ावा देवन के साथ ही एग्रो प्रोसेसिंग और एलाइड गतिविधि ने लोगा ताई पुगाणो है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन रे तहत श्रीगंगानगर रा कृषि अनुसंधान केंद्र माए दो दिनारी सेमिनार रखी जी। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकातेरी अध्यक्षता माए भी इस सेमिनार माए बागवानी क्षेत्र खातर कृषि महकमा कानिसु चलाई जा रही योजना जानकारी दी जी। जिला कलेक्टर बागवानी फसलारी उपज खातर केंद्र सरकार कानिसु दे जा रही सब्सिडी री चर्चा करता थका काश्तकारासु ड्रिप सिंचाई करबारी अपील करी। सेमिनार माए कृषि एहलकार GR मटोरिया भी अपना विचार जताया। प्रदेश भर माए रंगारो त्यौहार होली अरक और उछावरे साथ मनाये जावे है। राजधानी जयपुर माए भी दुकाना पर भात भांतरा रंग और गुलाल विक्रिया है। ये मरतबा लोगारो कुदरती गुलाल पर खास रुझान है। दुकानदार मोहम्मद इरफान बतायो कि कुदरती गुलाल हल्दी अनारदाना चकुंदर रा फूला से ती भांत भांतरी कुदरती चीजा सु बनाई जावे है। इनसु किणी भी तैयारो नुकसान नहीं हुए है। जयपुर के अंदर खास तौर पे चाइना को तो बिल्कुल अवॉइड कर दिया। यहाँ का पुराना माल भी कोई भी बेच नहीं रहा है, कोई ख़रीदता भी नहीं है जो पुराना पड़ा हुआ हो। अभी तो कोई माल आ भी नहीं रहा है जो यहाँ पे कोई कंपटीशन हो, तो इसलिए यहाँ का जो लोकल जो अपना जयपुर का प्रोडक्ट है वो भी अच्छा चलेगा और हर्बल का भी अच्छा चलेगा। ठीक है, त्यौहार के लिए हर्बल गुलाल खरीदने के लिए आए हैं। हर्बल गुलाल स्किन के लिए अच्छी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत अच्छी जयपुर में मिलती है, जयपुर के अंदर बहुत अच्छी बिकती है हर्बल गुलाल। जयपुर आराध्य देव गोविंद देवजीरा मिंदर माए कालेसु तीन दिनारो फागोत्सव शुरू हुयो। मिंदरा प्रवक्ता मानस गोस्वामी बतायो कि कार्यक्रम फागोत्सव रे दौरान कलाकारा कानिसु बात मात्र एक नजर ई बुलेटिन री खास खबर पर। कोरोना वायरस ने लेर चिकित्सा महकमो हाई अलर्ट पर, चिकित्सा मंत्री एहलकारा री ली बैठक, हेल्पलाइन नंबर करी जा जारी। कोरोना रा संदिग्धा ने RUHS सफाखाना माय आइसोलेशन वार्ड माय राखी जो। इटली सु आया मरीज री जोड़ाए तो सैंपल भी जांच वास्ते पुणे भेजी जो। राज्यपाल कलराज मिश्र किशनगढ़ माय केंद्रीय विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस जलसा माय जताए विचार, कयो पढ़ेसरी डिजिटल इंडिया अभियान ने बढ़ावे आगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन रे तहत श्रीगंगानगर माए दो दिनारी कार्यशाला राखी जी। बागवानी वास्ते कृषि महकमा कानिसु चलाई जा रही योजनावारी काश्तकारा ने दी जी जानकारी। जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी मिंदर माए चाल रियो फागोत्सव, कलाकारा कानिसु भक्ति रस्म डूब्या कार्यक्रम करी जा पेश। साथ ही प्रादेशिक खबर या कड़ी पूरी हुई। नमस्कार।